अरे अंग्रेजी वाला अभ्यास तो करना है। हाँ ई, अरे कहाँ गया जादुई का ई? रहा गुरुजी का जादुई चिराग। आपकी चूत। एक बार और करते हैं। हर सफ़दर जिहादी सीरिया जा रहा है लड़ने के लिए, तुम भी चले जाओ। वहाँ कोई वीसा पासपोर्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। लेकिन लश्कर के लोग कहाँ हैं? मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। I don't have so much time. दानियाल, मैं नहीं जानती लश्कर के लोग कहाँ हैं। इतना साल हो गया सिनेमा में काम करते करते और एक्टिंग लंड जैसा करता है, तो आप करके दिखाओ ना। अरे संतोष भाई, आप करके दिखा रहे हैं। देखो बेटा, इसमें कौन सा बड़ा बात है, घूम जाओ। थोड़ा ध्यान से देखना, देखो इधर, नेशनल एक्टर का नेशनल एक्टिंग। आओ, जब अमेरिका ओसामा में घुस के मार सकता है तो हम कहां रे मार सकते हैं। आओ, अच्छा लगा ना बेटा? बहुत अच्छा। हमका की पूछो ना, मैं हमका किए शब्दों को पकड़ा हूँ तब जाके डायलॉग पेला हूँ। ये है संतोष खरबार। सासाराम के पास एक छोटे से गांव कोचस के रहने वाले हैं, माँ बाप के इकलौते औलाद। पिछले 5 सालों में इस नाट्य एकेडमी में नाटक सीख रहे हैं। इनकी एक्टिंग कैसी है और 5 सालों में इन्होंने क्या अचीव किया है, ये आप खुद ही आगे देखिए। और संतोष, हाउ आर यू? बढ़िया है भैया। क्या लिख रहे हैं भैया? Well, I'm trying to write a drama by taking some reference from Shakespeare, some from Munshi Premchand and from some Urdu stories. ए भैया, क्या बोले जरा बताइए ना फिर से। आपको तो पता है कि हम अंग्रेजी में पैदल हैं। हाँ, लेकिन शेक्सपियर और प्रेमचंद बुझे हैं हम। नाटक लिख रहे हैं। ओ भैया, आप इतना बड़ा नाटककार हैं और इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ते हैं आप, लेकिन एगो चीज नजरअंदाज करते हैं आप। नजरअंदाज? पूछिए का? किसको? नेशनल एक्टर संतोष खरवार। अच्छा, तुम अपनी बात कर रहे हो। हाँ लीजिए। एक्टर नेचुरल, और तुम्हारी ये बटन भी नेचुरल एक्टिंग वाली है। हड़बड़ी में जल्दी से भुला गए, ठीक कर लेंगे बाद में भैया। अच्छा सुनिए, आप इतना बड़ा बड़ा कहानी लिख रहे हैं और अभी ये कहानी भी लिख रहे हैं, लेकिन आप हमको एक बड़ा रोल नहीं दिला सकते भैया? रोल दिलाए ना भैया को। यार, रोल तो मैंने इस एक्ट में बड़े कमाल का लिखा है। आग लगा देगी स्टेज पे। हैं? और तुम मानोगे नहीं, तुमने नेचुरल एक्टिंग बोला तो मुझे ध्यान में आया कि रोल तुम पे बिल्कुल सूट करेगा। माँ कसम भैया, आप दीजिए ना, हम नाटक में आग लगा देंगे। यार वो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुम तो जानते हो मैं राइटर हूँ। राइटर का काम क्या है? किरदार लिखना। हाँ। अब तुम्हें रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो डायरेक्टर साहब पे डिपेंड करता है। ए भैया, आप चाहेंगे तो जरूर मिल जाएगा। आप पटा लेंगे ना डायरेक्टर साहब को? खाली बोलिए कौन सा बरांडा है। अरे वही हमारा रेगुलर। एक काम करो, डायरेक्टर साहब यही है, ठीक है? तुम ब्रांड लेके पहुंचो वहां। हम डायरेक्टर साहब को लेके पहुंचते। चलो कुछ जमाते हैं तुम्हारे। ए भैया, आप इधर जमा दीजिए, माँ कसम हम उधर जमा देंगे। हम गए और सब जुगाड़ करके आते हैं। अरे यार, कहाँ फंसा रहे हो मुझे? अब तक तो खुद ही अपने आप को एक्टर समझता था, अब तुम भी उसे एक्टर समझने लगे हैं? अरे महाराज, मैं कहाँ बोल रहा हूँ एक्टर हो गए। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे बेवकूफ आर्टिस्ट अगर हमारे यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा गला कौन फ्री में गीला करेगा? ये बात भी सही है, लेकिन एक बात बताओ विशाल, कभी ये सोचा है उसे नाटक में रोल क्या देंगे? रोल की चिंता आप कहाँ करें, हम है ना, हम संभालेंगे उसको। Cheers! अच्छा विशाल, एक बात बताओ, हमारे प्री एक्टर के लिए रोल क्या लिखे हो?
सर रोल तो इतना कमाल है, ये समझिए वो आर्टिस्ट हमेशा स्टेज पे दिखेगा। हाँ संतोष जी भैया, नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान कर रहे हैं राजा भोज के ऊपर एक नाटक करना। बढ़िया नाम है। एंड वी आर प्लानिंग टू गिव यू अ बिग रोल। रोल जो है राजा भोज के प्रमुख सिपाही का है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो समझो उसको बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। और संतोष, तुम्हारा करैक्टर और बॉडी लैंग्वेज एकदम बॉडीगार्ड के सलमान खान की तरह होना चाहिए, समझे? जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी को समस्या है। उका देखिए माफ करिएगा, हम किसी और कॉपी नहीं कर सकते, क्या कि हम नेचुरल एक्टर हैं, हम अपना करेंगे एकदम नेचुरल, है ना भैया? चेयर्स चेयर्स। आशीर्वाद बना रखिएगा बस। देखिए पूरी दुनिया सलमान खान को कॉपी करना चाहती है, लेकिन ये बंदा अपना ओरिजिनल करे। मैं तो बोलता हूँ सर, ओरिजिनल करेगा बंदा ओरिजिनल। सुपरस्टार भाई, ये ही इस थिएटर का नाम रोशन करेगा। और आपका भी गुरु जी। अरे वो तो होगा ही। थोड़ा इधर करना फेस। सर डजंट इट लुक्स लाइक रॉबर्ट डी नीरो हॉलीवुड स्टार? अरे हाँ। थोड़ा उधर करो। ये देखो ये विशाल, इधर से नहीं लगता एकदम अमिताभ बच्चन? सर डेडली कॉम्बिनेशन है सर, डेडली। ये तो निकल गया भाई। गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। अरे आशीर्वाद तो हरदम तुम्हारे ऊपर है भाई। बस विशाल भैया ध्यान रखिएगा हमरा। तुम लोग समझ गए क्या करना है? हाँ, अपना अपना पोजीशन ले लो। जी गुरुजी। जी खुश रहो, खुश रहो। पहले हम झुके तो तुमको क्या दिक्कत है? धक्का मारोगे? चलो। अति उत्तम, अति सुंदर। महाराज की जय हो। आप दयालु हैं, आप महान हैं महाराज। महाराज की जय हो। क्या कर रहे संतोष, क्या है? आप बोले थे ना कि नर्तकी नीचे गिरेगी तो महाराज खुश होंगे। अरे तो महाराज उसको हार देंगे, बोलेंगे तब न करोगे भाई। जी गुरुजी गलती हो गया। चलो यहीं से आगे करो। हर्ष हो रहा है अपार। शिवांगी क्या तुम्हें पसंद नहीं उपहार? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। संतोष क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उपहार दिए ना महाराज जी। अरे उपहार देंगे, जेस्चर हटाएंगे, डायलॉग बोलेंगे, फिर जेस्चर खत्म होगा तब ना बोलोगे भाई। हाथ यहाँ अगर जब अपना हाथ यहाँ रखेंगे तभी बोलना। जी गुरु जी। ऐसे 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 समझे? हाँ, हाँ। कुमार तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? क्षमा करें गुरुजी। शांत रहो, हम है ना बताने के लिए। चलो शुरू करो। हमें हो रहा है हर्ष अपार। शिवांगी क्या तुम्हें पसंद नहीं है उपहार? अतुल्य है महाराज। महाराज की जय हो। हाथ रख दिए हैं, हाथ रख दिए हैं महाराज। अरे मेरे बाप, हाथ रख लिए हैं, ये हाथ उठा हुआ है। इसके बाद दूसरा डायलॉग है मेरे बाप। अरे गुरुजी एक बात बताइए, क्या करना है हमको? कुमार तुम सीनियर हो, थोड़ा मैनेज कर लिया करो। जी जी। हाँ हाँ मैनेज किए ना गुरुजी, हम मैनेज किए ना। तुम हाँ, तो बहुत मैनेज किए। हम मैनेज करेंगे, समझ गए ना। चलो। हाँ। हमें हो रहा है हर्ष अपार। शिवांगी क्या तुम्हें पसंद नहीं उपहार? आज से तुम्हें राज नर्तकी का दर्जा दिया जाता महाराज की जय हो। राज नर्तकी, राज नर्तकी बना है महाराज। बंद करो दंद फंद, जाओ करो हमारी मुख शुद्धि का प्रबंध। एक मिनट, हमारा भाला गया नीचे, ये मुख शुद्धि वाला डायलॉग कहां से आया? अरे संतोष एक बात बताओ, तुम ये सब गुड़ गोबर क्यों कर रहे हो? अच्छा गुरुजी हमारा भी एक बात सुन लीजिए, जब ये मुख शुद्धि का डायलॉग लिखबे नहीं किया तो कहां से बोल दिए? तुम इधर आओ। अब जब तुम बीच में बोल दोगे तो ये कुछ तो करेगा। हाँ तका करेंगे, हमरा एक्टिंग खराब करेंगे।
जब तुम बीच में आके कूदोगे तो कुछ तो नहीं। देखिए एक बार आप बोले महाराज की जय, हाथ नीचे जाएगा तब बोला। संतोष सब ठीक तो कह रहे हैं, एक तो तुम्हें मुश्किल से एक डायलॉग मिलता है, उसके भी तुम टाइमिंग सही से कर नहीं पाते, सब बैंड बजा देते हो। सॉरी बोलो इनसे। क्या बोली, फिर से बोल तो, फिर से बोल। एक डायलॉग मिलता है तुम्हें, तुम उसकी टाइमिंग बिगाड़ देते हो। और तुमको एक्टिंग करना आता है, ऐसे गिर गिर के नाच रही थी, ऐसा होता है का? हाँ? और ये गुरुजी इनको देखिए, इनको हम बोले राज नर्तकी तो हम खराब है, और ये कुछ भी बोले ऐसे वैसे। अरे वो राजा देख है रहे सर, देख रहे हैं। देखिए सुनिए, हम है नेचुरल एक्टर। हाँ, नेचुरल एक्टर हाँ, है। और हम घुस के एक्टिंग करते हैं। अब चुप रहो तुम। देखिए देखिए, और संतोष तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा जी, अब हमको समझ में आया। अभी आप इनको क्या बोले, तुम तो सीनियर एक्टर हो, थोड़ा तुम संभाल लो, लगता है ये क्वार्टर दिए कल रात को गुरुजी आपको। ए चुप रे, अबे क्यों मेरे दिमाग की मोह भर कर रहे, समझ में नहीं आता तुमको? कैसा रहा तुम्हारा कल का प्ले का रिहर्सल? कुछ नहीं, बस एज यूजुअल। संतोष ने बीच में आके पूरे ड्रामे की बैंड बजा दी। संतोष भी अजीब कैरेक्टर ही है ना, हर ड्रामे में अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है अपनी बैंड बजाने के लिए। चुप करो, जैसा भी है ना अच्छा ही है। हाँ है? देखो तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है कि बंबई से एक टीम आ रही है जो अपनी पिक्चर की शूटिंग पटना और इसके आसपास के एरिया में करेगी। जो फिल्म के जो मेन कलाकार हैं वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, लेकिन सपोर्टिंग रोल के लिए जो सहायक भूमिकाएं होती हैं उनके लिए वो कलाकारों का चयन यहाँ से करेंगे, समझ गए? तो उसके लिए उन्होंने हमारे नाटक आदमी को चुना है, उसमें हमारे नाटक आदमी के लड़कों को मौका दिया जाएगा। अब वो लोग यहाँ आएंगे और ऑडिशन करेंगे। अब ऑडिशन में जो जैसा करेगा उसको वैसा रोल मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहता हूँ कि बहुत मेहनत से, लगन से ऑडिशन की तैयारी कीजिए और ऑडिशन दीजिए। क्या पता किसकी किस्मत कहाँ चमक जाए। वैसे तो आज तक मुझे किसी ने अनुशासनहीन नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपको लगता है आजकल का जमाना गोरे और चिट्टे लोगों का है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लोग प्यार से हमें सहनशाह कहते हैं, सहनशाह। ए बेटा लोग, रट्टू तोता सब साला, रट्टो बेटा रट्टो। आजकल तो फिल्म और सीरियल्स में अच्छी बॉडी वाले को ज्यादा चांस मिलता है। बहनचोद कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, वो मुंबई वाला है, मुंबई वाला सब, वो सब जानता है कि नेचुरल एक्टिंग का होता है और नेचुरल एक्टर का होता है। पंचित अभ्यास करते रहो तुम लोग, होना हमरे है। वैसे तो आज तक मुझे किसी ने अनुशासनहीन नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं उदंड छात्र हूँ। लोग प्यार से मैं सहनशाह कहते हैं, सहनशाह। पढ़ो बहनचोद, रटो बहनचोद। पिताजी उनके चश्मे खराब। कुमार प्रणाम। खुश रहो। चलिए मार्क पे आइए, आपका लुक यहाँ रहेगा। एक्शन। अब दर्द की इम्तहा हो गई, शर्म आती है, बेटा बीमार है, कोई ऋण नहीं देता, आखिर कब तक कोई ऋण दे, उसकी भी तो एक हद होती है। ओके गुड, थोड़ा अपना प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा। जी मेरा नाम कुमार, जी 9456894559। राहुल वर्मा। मेरा बेटा बीमार है, मैं 100 रुपये का व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूँ, आज के जमाने में कोई ऋण भी नहीं देता। संतोष खरवार। गुरुजी यही है हम। हाँ खुश रहो खुश रहो। प्रणाम जी, पहले आप अपना बटन ठीक कीजिएगा। हड़बड़ी में भुला गए हम। थोड़ा मार्क पे आइए, रेडी आप? एक्शन। आज तो इंतिया हो गया हमरा, रक्षा सॉरी सर सॉरी, हाँ आज तो दर्द की इंतिया हो गई,
हमरा बेटा मर रहा था हमरा सामने, हम उसको देख के 100 रुपया, सॉरी सर गलत बोल दिए। नो प्रॉब्लम, कीप कंटिन्यू। दर्द का इंतहा हो गया हमरा, हमरा बेटा मर गया और हम कितना ऋण कितना हम लेंगे और हम कर्जा। कट इट। ठीक था ना सर? ओके हो गया, हम नेचुरल एक्टर हैं सर। अच्छा किए ना सर हम? बिल्कुल बिल्कुल। अरे संतोष जी, गुरु जी अब दूसरे का भी नंबर आने दो। सौरभ कुमार, अरे लानत है मुझ पर, आज तो मुझे कोई कर्ज भी नहीं देता, क्यों दे? पानी लाओ। अरे 3 साल से तो मैं घुट घुट करके जी रहा हूँ और अपनी आंखों से अपनी बर्बादी खुद देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा मार्क पे आइए। यस सर। एक्शन। आज तो मेरे दर्द की इंतहा हो गई। नेक्स्ट। आज तो बगदास की इंतहा हो गई, क्या करे अभी? बेटा बीमार है और मैं 100 रुपया का इंतजाम भी नहीं कर पाया। गुड। स्पॉट पानी लाओ। सोनू त्रिपाठी। सर। अरे तुम तो एक्टर हो यार। सर हम जहाँ के हैं वहाँ सिखाया जाता है अतिथि देवा भव। अरे लेकिन सर मेरे बारे में। हाँ हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको देखते ही हमने एक रोल डिसाइड किया है। थैंक यू सर। सर एक बात और, वो एक लड़का है संतोष। कौन? वो जो सॉरी बोल रहा था वो? हाँ हाँ। ओ, नेचुरल एक्टर। हाँ सर, उसके लिए एक छोटा मोटा रोल, माना कि वो लड़का एक्टर अच्छा नहीं है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। भीड़ भाड़ में ही कहीं खड़ा कर दीजिए। देखते हैं। चलिए ठीक है। सुनिए आपको अपना डायलॉग याद है? यस सर। बताइए। जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। वेरी गुड। और आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इनका डायलॉग खत्म होने के बाद एक एक कदम आगे आना है और अपने डायलॉग बोलना है। यस सर। क्या बोलेंगे? जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। गुड, टेक करते हैं। यस सर। रेडी? यस सर। रोल एक्शन। कुछ भी हो जाए हम अपनी जमीन उन पूंजीपतियों को नहीं देंगे। कट। हे क्या कर रहे हो तुम? हम? हाँ तुम सीधे खड़े रहो। सॉरी आपके नहीं करेंगे गलती सर। ठीक है। रोल एक्शन। कुछ भी हो जाए हम अपनी जमीन उन पूंजीपतियों को नहीं देंगे। कट। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? सर वो बिहनी था सर, वो हमारा चेहरा पर काट लेता तो हमारा मुंह फूल जाता और हम एक्टर नहीं बन पाते सर, कहा कि हम नेचुरल एक्टर है ना सर। बिहनी काटे या सांप काटे, इस बार सीन में कुछ ऐसा किया ना आउट कर देंगे। सर चाय रहने देनी चाहिए। रोल एक्शन। कुछ भी हो जाए हम अपनी जमीन उन पूंजीपतियों को नहीं देंगे। हम अपनी जमीन देकर खुद को उनका गुलाम नहीं बनाएंगे। आधे पेटी सही। जमीन दे देंगे लेकिन जान नहीं देंगे सर। कट। बहनचोद समझ में नहीं आ रही मेरी बात? हाँ हम डायलॉग बोल रहे थे सर। अबे चूतिए, एक तो डायलॉग खत्म होने के पहले आता है और ऊपर से उल्टा डायलॉग बोलता है, जमीन दे देंगे जान नहीं देंगे। हम गलत बोले। अरे व्हाट द फक इज दिस, बैक अप। अब हमारा का होगा, एगो मौका अच्छा मिला था बंबई जाने का। हाँ हमारा से गलती हो गया, बिहनी आ गया हमारा बीच में, हम का करे कुछ समझे में नहीं आ रहा। अब हम कैसे बंबई जाएंगे, हम कितना बड़ा गलत। चिंता ना करो। हाँ? वो क्या है ना कि डायरेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। हाँ? टेंशन में ऐसा होता है, हम उनको संभाल लेंगे। हाँ? तुम कल सेट पे आओ, समझे? हाँ? ना सर, रोल हमको समझा दीजिएगा, हम अच्छा काम करते हैं, कोई गलती ना करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पवला सर आपके लिए ये सब नहीं लेते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना। इंग्लिश? नहीं नहीं कुछ नहीं, कल शूटिंग की तैयारी करो। सर आप संभाल लेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। आज एक ऐसे सुपरस्टार का जन्म हुआ है जो कि अमिताभ बच्चन से भी मिलो आगे निकले। हॉलीवुड के सबसे मशहूर हीरो रॉबर्ट डिनिरो ने भी अपने नेक्स्ट फिल्म में संतोष के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। अब देखना यह है कि संतोष की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। सर ये मौसम तो बहुत फॉगी सा है, ये सूट के लिए अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में धुंध तो रहेगी, लगभग 3-4 महीना ऐसा ही रहेगा। तीन चार महीना रहेगा,
मैं तो बोलता हूँ सर, शूटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, बिना मतलब का बजट बढ़ेगा, 3-4 महीने बाद ही आते हैं। पीटीआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक संतोष खरवार को फिल्म मिट्टी की कसम में ग्रामीण की भूमिका के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक फोन मनु सबरे सबरे फोन कर दिया रे, तने देर बाद फोन करता तो हम ऑस्कर भी ले लिए होते। हेलो गोल लगा तनी बाबू जी। खुश रहा बचवा, खुश रहा। का संतोष, तहरा 5 साल हो गई एक्टिंग सीखत, बाकी कतहू नजर ना आईला। अरे कुत्तो बिल्ली हम टीवी पर देख लेनी, लेकिन तहरा के हमार आंख तरस गई देखे खातिर। अरे बाबूजी रवा चिंता मत करी, और सुनी हम कोनो कुकुर बिलाई ना ही, हम नेचुरल एक्टर हैं। अगर तहरा से कुछ नइखे हो सकत ना तो गांव वापस आ जा। हम देखी रहुआ इतना टाइम दे देला बनी तो 3-4 महीना और दे दी। अभी एगो हिंदी सिनेमा में हम काम करता नहीं, बम्बई के लोग हलोग। बहुत बढ़िया रोल बाबू में हमार, पूरा सिनेमा में बानी हम। तनी देखी ना तनी मनी और टाइम दे दी बाबूजी। अच्छा बेटा चला, इतना दिन गोइठा में घी सुखौनी तो कुछ दिन और सही। अरे बाबूजी रोवा चिंता मत करी, उ गोइठवा जाए जरी नू तो खूब अंजोर करी, काहे को मैं घी डालल बा। आ सुनी देखी हमारे के गो सपना बा, बस यह चाहता नहीं कि रोवा गांव से बाहर निकली नू तो लोग यह कहे कि हाय देखा किसान के बेटा सुपरस्टार बन गइल बा, यूं करे बाबूजी हवन। तो ठीक बा, भगवान तहार सपना पूरा करस, और पैसा कौड़ी के जरूरत होखी तो बताइए। तो भेज दे रे बाबूजी, भेज दी कबो मना के लेबनी हम। ठीक बा भेज देब। हां जी गोड़ लगा तनी खुश रहा। हमारा ऑस्कर क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम विवेक। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पिछली बार जब हम लोग आए थे सब लोग वही हैं, सिर्फ एक लड़का नजर नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका? संतोष। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या उसका, नजर नहीं आ रहा है? नहीं सर, 1 महीने से उसका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, जिंदा भी है कि मर गया, कुछ पता नहीं। मतलब कुछ गलत हुआ था क्या उसके साथ? हाँ सर, एक लड़की थी कंचन नाम की। का हो इतना ऊपर, बुलाना जरूरी था, थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वैसे एकदम टंच लग रही हो, मस्त। बस करो। हम कैसे लग रहे हैं? तुम जैसे हो वैसे ही लग रहे हो। और ये अंधों की तरह चश्मा क्या पहना है, उतारो। ब्रांडेड है। और बताओ क्या काम है, कहाँ बुलाए इतना जल्दी? वो अब बोलोगे भी? मेरी शादी तय हो रही है। का? हाँ। और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। करोगे? ये क्या है, ढंग से बात करो। ब्याह तो हम तुमसे करना चाहते हैं। वैसे तुम हमसे ब्याह करना चाहते हो, हम भी ब्याह कर लेंगे तुमसे। लेकिन एक बात बताओ, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी मतलब घर कैसे चलेगा? जैसे चलता है वैसे चलेगा। कैसे चलता है, जो नाटक हम करते हैं उसमें 100-200 रुपए हफ्ते में मिलते हैं, उससे घर चलेगा? हाँ तो क्या हुआ, हमारे बाबूजी के पास कितना पैसा जानती हो? 5,000 रुपया महीना भेजते हैं और बड़का को घर है, ये सब केकर है हमारे, है ना? मतलब पूरी जिंदगी तुम मुझे अपने बाबूजी के भरोसे चलाओगे? हाँ तो क्या हुआ, हाँ बाबूजी के घर लिए पैसा कमाए हैं, वो जो पैसा जमा करके रखे हैं ओकरा खर्च कौन करेगा? हाँ खर्च करने के लिए कोई चाहिए ना, हम है, टेंशन ना लो तुम। देखो संतोष, तुम्हें इस बात से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे पड़ता है, मुझे एक स्वाभिमानी पति चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस स्वाभिमानी का होता है अब? हे भगवान, मतलब जो अपने पैरों पे खड़ा हो। कौन सी पे खड़ा है, हम अपना घोड़े पे तो खड़ा है ना हम। बैठो बैठो तुम अभी। हाँ तो डांटो मत, बैठ रहे हैं ना हम। मेरे कहने का मतलब है कि जो अपना अपने घर चलाए, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने बलबूते पे कमाए। हम नहीं समझे, जरा फिर से समझाओ तो। देखो तुम शांति से मेरी बात सुनो। सुनाओ। देखो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए बात की है। हा? तुम्हें वो काम दे देंगे और 15,000 मुझे मिलते हैं, 15,000 वो तुम्हें देंगे, 30,000 में पटना से थोड़ा दूर किसी कोने में हमें
एक छोटी सी गृहस्थी शुरू कर सकते हैं आराम से। तुम्हारा दिमाग खराब है रे। क्यों? कल को जो स्टार बन के टीवी में दिखने वाला है। एक मिनट, स्टार ताऊर का। अच्छा। और तुम चाहती कि हम वो टीवी बेचे? मारेंगे ना दिमाग। शांत रहो, जिस तरीके की आप एक्टिंग करते हैं उससे आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। क्या बोली रे, फिर से बोल तो। मेरा मतलब है कि जैसा तुम काम करते हो ना उससे तुम बहुत बड़े स्टार नहीं बनने वाले। तुम्हारे कहने का मतलब हम चुतिया एक्टर है। तमीज से बात करो। तुमको पता है रे साली, पहले तमीज से बात करो। का तमीज से बात कर रहे तुमसे हम हैं? एक्टिंग के बारे में हमरा बोलती हो तुम। पता है गुरुजी हमको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इधर देखो, इधर इधर से अमिताभ बच्चन और जो साथ में विशाल राइटर साहब है, जानते हो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो तो पूरा अंग्रेजी फिल्म देखते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमको बोलते हैं वो कौनो हॉलीवुड का हीरो है, रॉबर्ट डिब्री। पहले नाम बोलना सीख लो, रॉबर्ट डिनेरो। हाँ तो बुझ गए तुम। बस तुम ना ये बेवकूफी मत करो, वो लोगों को तो फ्री फंड में तुम्हारी वजह से दारू मिलता है तो वो तुम्हें स्टार नहीं बनाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रे? जानती हो वो जो बम्बई से फिल्म वाला यूनिट आया था उसमें वो राइटर साहब थे, वो हमको क्या बोले जानती हो? कि तुम नेचुरल एक्टर हो, तुम हमारे साथ बम्बई आओ, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। सुनो, हम उनको बोले सर कौन सा ब्रांड लाएं, वो बोले हम दारू नहीं पीते, आप बताओ। अच्छा, देखो संतोष, हे भगवान, मैं तुम्हारी बुराई नहीं चाहती, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा सपना मत देखो जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके चक्कर में साली कुत्ती, तुम हमारा अच्छा ही चाहती है रे, हैं? साली मतलब एक नंबर की। तू क्या चाहती है रे, कि हम अपना सपना को तुम्हारा दुकान बंद कर दें और तुम्हारे पल्लू से हम बन जाएं? ये कब्बो नहीं हो सकता है। और देखो, हम स्टार बनने के लिए पैदा हुए हैं और स्टार बन के दिखाएंगे। चुप साली, तेरी माँ के चुत मार मार जूता, तेरी माँ का मार मार के तेरा मुंह फुला देंगे भोसड़ी के। तुमसे तो हमारा जूता भी ब्याह नहीं करेगा, जूता भी ब्याह नहीं करेगा। भाग, दिखाना नहीं अपना मुंह तुम हमको। साला, तुमसे तो हमारा जूता भी ब्याह नहीं करेगा रे। अल्लाह, तुमसे तो हमारा जूता भी ब्याह नहीं करेगा रे। देखना मैं एक दिन कितना बड़ा स्टार बनेगा, उस दिन पछताएगी रे तू, देखना साली। जमाना बदल गया है, जमाना है नेचुरल एक्टिंग का और नेचुरल एक्टर का। स्थिति को समझो, डायलॉग को पकड़ो, तब जाके पेलो, समझे? बहनचो, ए थला, इसीलिए तुम साला करिया पैदा हुआ है। जानता क्या है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बेटा। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमने फिल्म वाले को कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी थी, सिर्फ तुम्हारे नाम लिया जा रहा था। हाँ संतोष भाई, ये सही बोल रहा है। अरे हम लोगों को तो भाव ही नहीं दे रहा था। बेटा ऐसा कोनो बात नहीं है, देखो वो हमारा नेचुरल ऑडिशन है ना, बहुत प्रभावित हुआ। हाँ। उसे एक बार में पकड़ लिया कि उसको नेचुरल एक्टर मिल गया है। हाँ भाई। हाँ। फोन बज रहा है तुम्हारा? नहीं संतोष भाई, आप ही का बज रहा है। देखा देखा देखा, ए बहनचोद, हमरे बज रहा था रे। नया नंबर। अरे भोसड़ी, तुमको कैसे पता कि नया नंबर है? साला फोन हमरा है तो। हेलो हेलो, क्या आप पटना से संतोष बोल रहे हो? जी जी, हम संतोष बोल रहे हैं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं सर, हम पहचाने नहीं। जी मैं मुंबई से शिवाजी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। मुंबई से? क्या बात, मुंबई से? अभी आपने जो फिल्म किया है उसके जो राइटर है उन्होंने आपकी काफी तारीफ की, उन्होंने आपका फोटो भी दिखाया है। अभी हम लोग एक सीरियल करने वाले हैं जिसमें मेन रोल आपको देना चाहते हैं। जी जी जी, थैंक यू सर। अगले महीने शूट है उसका, मैं कॉल करूंगा, फ्लाइट का टिकट भेजूंगा, फ्लाइट पकड़कर। हाँ सर, हम आ जाएंगे सर, डेट की कोई चिंता नहीं है सर। आप पहला बार फोन किया ना सर, तो हम आप ही को डेट दे देंगे सर। ओके बाय। प्रणाम सर, प्रणाम। देखा रे बेटा लोग, कहाँ से फोन था बोलो? बम्बई से, बम्बई से बेटा, बम्बई से। अब लग रहा है ना कि हमारा आग लगाने का टाइम आ गया, अब देखना बहन चोद, जाकर मत चोद देंगे सबका। हम तो कह रहे हैं कि संतोष भाई का ऑटोग्राफ ले लो, पता नहीं बाद में मिले ना मिले, हम लोगों को पहचाने ना पहचाने। देखा, यही बहन चोद देखो सबसे समझदार लड़का है, देखना हमारा बाद यही नेचुरल एक्टर बनेगा। बेटा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे पास, टेंशन ना लो। जी संतोष भाई, चलो बाबू लोग, ये रहा ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ का बात ये सब छोड़ो, तुम लोग दोस्त हो, चलते हैं अब हम लोग, फिर ही ज्ञानवान का बात है ना, बाद में कर लेंगे। चलो बेटा लोग। What's up, Santosh? What's happening? Packing? Seems you're going out. अरे बैठिए। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? अरे भैया इतना फास्ट अंग्रेजी बोलते हैं ना आपकी, रुकिए, बुझे भी नहीं करता है।
बैठिए अब बोलिए। और क्या हो रहा है, कहीं जाने की तैयारी? हाँ। कहाँ? गांव। सोच रहे हैं दो दिन खातिर बाबूजी से मिल आए, आज रात का पैसेंजर ट्रेन पकड़ कर चल जाएंगे। अच्छा आप बताइए, कोनो खास काम है का? खास काम तो नहीं यार, सोच रहा तुम्हें बताऊं भी कि नहीं बताऊं। बताऊं नहीं बताऊं माने? तू बताइए ना भैया। तुम घुमाओ, गांव घुमाओ, फिर बात करते हैं। अरे भैया बताइए ना, गांव तो हम एक हफ्ता बाद तो चल जाएंगे। लगा दे सेंट। हम लगा लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कोनो जरूरी बात है तो बताइए ना। तुम गांव घुमाओ यार, फिर बात करते हैं आराम से। देखिए आप बुझवल बुझाने लगे, बताइए ना क्या बात है। यार अपने ग्रुप में एक लड़की थी कंचन नाम की। हाँ, क्या हुआ मदरचोद को, मर गई क्या? यार छोड़ो, तुम हुआ होगा बाबूजी से मिलाओ। गांव तो हम बादों में चल जाएंगे, एक हफ्ता बाद, बताइए ना। उसकी सगाई? हाँ सगाई तो हम बोल दिए है, स्टार बनने के बाद करेंगे, टेंशन नहीं है। उसकी सगाई हो चुकी। नहीं हो सकता भैया। नहीं हो सकता मतलब? कलम साहब गए थे, सगाई थी। ये माधर चोद, ये कैसे हो सकता है भैया? वो तो हमसे बहुत प्यार करती थी, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक सेकंड, क्या मतलब? हाँ भैया, वो हमसे प्यार करती थी, हमसे। वो अगर तुमसे प्यार करती थी तो उसने सगाई किसी और से क्यों की? भैया हमको नहीं पता। सच बोल रहे हो, तुमसे प्यार करती थी? हाँ भैया, कसम से भैया, हम कभी झूठ बोले हैं? What went wrong? क्या गलत हुआ? भैया लगता है हमको कि हमको बुलाई थी मिलने के लिए, अब हम उसको थोड़ा गरिया उरिया दिए थे भैया, ठीक है, थोड़ा गुस्सा आ गया था हमको, हम क्या करें, हमारे एक्टिंग के बारे में कुछ बोल दी थी वो, बस हम जूता निकाल के बोल दिए, मार देंगे माथा चुन मुँह फुला देंगे तुम्हारा। भैया देखिए हम ये सब तो उसको ऐसे ही बोल दिए थे, गुस्सा में थोड़ा आकर बोल दिए, वो प्यार करती तो घूम फिर हमारे पास आती ना भैया, इसलिए बोल दिया भैया। भैया देखिए सुन, हम ओकरा बिना नहीं रह सकते भैया, हम ओकरा से बहुत प्यार करते भैया। मेरी बात सुन, जो होना था वो हो गया। हाँ। एक नसीहत समझ, लड़की, बस। हाँ। और ट्रेन, तीनों के लिए कभी नहीं रुकना, एक जाती है दूसरी आती है। बहरहाल हाँ? पैकिंग हुई है तुम्हारी, दो दिन गांव घुमाओ। हाँ? मूड चेंज होगा, आओ फिर नई शुरुआत करते। नहीं भैया, गांव घुमाओ, आराम से बात करते। ए भैया हम गांव नहीं जाएंगे भैया। ए कंचन, एक ताला लगा हुआ है। कहने गई भैया। हाँ? यहाँ वो कंचन रहती थी, कहाँ गई? कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। रे कंचन, ऐसा काहे की रे तू? कैसे तुम किकरो और से प्यार कर सकती हो रे? साला हमरा का होगा, हम तो मर जाएंगे रे तुम्हारा बिना। रे कंचन कंचन रे, हमने छोड़ के कहाँ चले गए रे तू? सुनो कंचन कहाँ है? तुम संतोष हो ना? हाँ। तुम्हारे कारण वो ये शोरूम छोड़ के चली गई। अरे मैया, और एक बात, अगर मुझे पता होता ना तो भी मैं तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान को कभी नहीं बताती। ए नहीं रे दीदी, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, हमको कंचन का पता बता दीजिए तो हम मर जाएंगे दीदी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ ज्यादा बोल दूं। बता दो ना। चले जाओ। बाबा। गेट आउट, दफा हो जाओ। आ, 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 आ,
दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अरे कल चलो, अरे अरे मर जाएगा रे हम। अरे मारे बाप रे बाप, अरे कितना दर्द हो रहा है हमारे माथों में। अरे बाप, हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे साथ। अरे बहनचो चुप रहो ना रे भोसड़ी वाला। अरे बाप रे, ऐसा मानेगा नहीं। अरे मैया रे मैया, बाप रे हो जाए फिर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना। संतोष भाई, क्या सकल देवदास जैसा बना रखे हो यार। सुनो यार, हमरा माथा में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग चिल्लाओ मत। साला बहुत चिल्लाता है रे तुम लोग, हम सो नहीं पा रहे अपना कमरा में। अरे आओ, आओ, आओ बैठो संतोष भाई, आओ आओ। अरे सुनो, हमरा तबियत। अरे आओ आओ, अरे आओ आओ। इतना बोलता है तो आते हैं हम, हमको पकड़ना। बैठो बैठो, अरे जगह दे, बैठो भाई, पियो तुम भी आराम से, आराम से संभाल के बैठो। हम बैठ गए, बैठो। चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, हमारा माथा में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बात क्या है, इतना परेशान लग रहे हो। कोनो बात नहीं, अरे ऐसे ही तबीयत खराब है हमारा। अरे यार छोड़ो भी ना यार, अब दोस्तों से क्या छुपाना, बोल दो ना। अब बता दो संतोष भाई, अब बता ही दो। अरे अब हम कहा बताए रे, हमारी जिंदगी इतना खराब हो गया ना रे। हमारा कंचन है ना जानते हो, हमारा कल्चर छोड़कर चल गई। संतोष भाई, अब बेहतर यही होगा ना कि तुम कंचन को भूल जाओ। यार कैसे भूल जाए रे, उहे तो नहीं कर पा रहे हैं। अरे संतोष भाई, इसे गटक लो, सब भूल जाओगे। तुमको पता ना रे कि हम ये सब पीते नहीं है। मालूम है तुम नहीं पीते हो, लेकिन इस तकलीफ का यही दवा है। एकरा पीने से हमारा दर्द कम हो जाएगा। ले लो, ले लो, सब भूल जाओगे, हम सब गम भूल जाएंगे। हाँ पक्का, कसम से। तो देखो पक्का, हमारा कसम। अरे लो यार, कसम से पक्का भाई, पक्का। पियो लो, पी लो। अरे जल रहा है रे बहुत। पियो सर, पियो पियो भाई, पियो पियो, कुछ नहीं होगा, पियो जी। क्या, अरे एक पे गाँव बना ले। अरे बाप, अरे एक पैक और, एक पैक और लीजिए, लीजिए एक पैक और बनाओ भाई। आ रहा, एक पैक और, एक पैक और लो ना, थोड़ा सा। एक नंबर भाई, आओ छोटा सा, एक पैक, एक और, एक और थोड़ा सा। सुनो रे साला, हम बहुत तकलीफ में है रे। क्या हुआ संतोष भाई, जानता है क्या हुआ? क्या हो गया? हमरा सनम बेवफा हो गया रे। क्या बात कर रहे हो, हमको बहुत दुख दिया बहनचोद। कौन दिया? देखो तुम लोग प्यार वार ना करो। क्यों, हम देवदास लग रहे हैं ना? हाँ भैया जी, देखो देखो, सही बोले, सही बोले। कंचन, ए हमरी जान किधर हो रे तुम? संतोष, कंचन, संतोष। हाँ, नीचे रिहर्सल चल रहा है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम दारू कब से पीने लगे? अगरा दारू मत बोलिए, ये हमरी जान है। रिहर्सल नाटक, कैसा नाटक विशाल भैया? नाटक का माँ का चूत। और तेरा वो स्टार बनने का सपना देख, तो अपनी जिंदगी इस तरह नहीं बर्बाद कर सकता। सपना? कौन सपना भैया, कौनो सपना नहीं। हमरा तो बस एक गो सपना है, और वो है कंचन। जानते हैं भैया,
वो कंचन बहनचोद हमरा सामने आ के ना बहुत परेशान करती है हमको, बहुत परेशान। जब तक हम ही पूरा दारू नहीं पे जाते हैं ना भैया, वो माधरचोद हमरा सामने आकर हमको बहुत चिढ़ाती है। क्या करे भैया? देख मेरी बात सुन, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, फिर समझाता हूँ। लड़की बस और ट्रेन इनके लिए नहीं रुकते, एक जाती है दूसरी आती है, वो आगे बढ़ रही है तो अपने हिसाब से आगे बढ़। भैया हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन हमरा भूले नहीं पाते, भूले नहीं पाते भैया, हम कहाँ करें बताइए ना। एक बात बता, कितने साल से प्यार करता है उसको? एक दो, पूरा 5 साल से भैया। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल में कितनी बार ठोका है? छे छे भैया, कितना गंदा बात करते आप हमरा साथ। हमरा प्यार कंचन के लिए एकदम पवित्र है, वो भी गंगा जल जैसन। तू मुझे ये मत बताना कि 5 साल में तूने अभी तक उसकी चुम्मी पप्पी केस कुछ भी नहीं किया। अरे भैया हम कसम खा के बोलते हैं सब नहीं किया, ये सब गंदा बात मत बोलिए आप हमको। लौड़ू, इसलिए मैं तेरे को लौड़ू बोलता हूं। हां ठीक है बोलिए। अरे बेवकूफ, अगर यही 5 साल में तूने 3-4 बार उसको ले लिया होता ना तो आज तेरे को ऐसा नहीं बैठना होता, वो तेरे पीछे घूम रही होती है, तुझे अपना पीछा छुड़ाना पड़ता उससे। भैया देखिए सब बोलिए पर गंदा बात मत बोलिए, हम ही तो जन्मे नहीं किए कि क्या बोले आप उसके बारे में। फर्ज कर तू एक लड़की है, ठीक है? हम लड़के नहीं है। फर्ज कर, सोच। हाँ हाँ हाँ। तेरा बॉयफ्रेंड तुझे 5 साल में छुए भी नहीं तो तू क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि तेरा बॉयफ्रेंड नामर्द है। हाँ तोरा मैया के। उसने वही सोचा, उससे सगाई की, उसकी शादी होगी, वो आगे बढ़ रही है। अब तुम क्या इसे क्या सारे बट के पूरी जिंदगी गुजारोगे अपनी? बहन चोद हम सब तो सोच भी नहीं किया भैया, लेकिन बात बोलते हैं, अगर वो हमको सामने का बोल देना कि हम कब्बो प्यार नहीं करते थे, मम्मी कसम दारू पीना छोड़ देंगे हम। देख भाई, मैं ये नहीं जानता वो तेरे से प्यार करती थी कि नहीं करती थी, तू करता है कि नहीं करता है। हाँ लेकिन एक बात, अगर तू ये दारू पीना छोड़ता है तो मैं वादा करता हूँ वो तेरे को आगे मिलेगी जरूर। देखो बात बोले हम आपको, अगर वो यहाँ आके हमरे सामने और आपका सामने ये बोल देना कि वो हमको कब्बो प्यार नहीं करती थी, माँ कसम दारू पीना छोड़ देना। एक बार वो मिलके गई उसके बाद ये आउट। प्रॉमिस? पक्का भैया? प्रॉमिस पक्का। सिर्फ तुम्हारी प्रॉमिस की वजह से मैंने तुम्हारा फोन नंबर एड्रेस उसे नहीं दिया। यकीन मानो उसकी जो हालत है उसे देखकर तो कई बार ऐसा लगा कि मुझे बता देना चाहिए। आप बताइए, मैं तो उससे शादी करने को तैयार थी, उसने खुद मना किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? कंचन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे तो लग रहा है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे लगता है इसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। मुझे तो लगता है बस वो नाटक करता है ये सब। कंचन, संतोष को तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, वो लड़का बेवकूफ है लेकिन दिल का साफ है। एक बात बताओ, जो लड़का हमेशा हमें दारू पिलाता था कभी खुद एक बूंद दारू की चखी नहीं, आज वो पूरे दिन नशे में धुत रहता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब तक वो दारू ना पिए तुम्हारी यादें उसे सताती रहती, यानी मुझसे उसकी हालत नहीं देखी गई और मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे पास ये बात लेके नहीं आऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। पर मेरी तो सगाई हो चुकी है। देखो तुम्हारी सगाई हो गई है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारी सगाई तोड़ने या शादी के लिए फोर्स करेगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम एक बार उसे मिलो, उसे समझाओ। एक बात बताओ, 5 साल से तुम उसको जानती हो, कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है उसको मिलना है कि नहीं मिलना, तुम उसे सिर्फ एक बार मिलो, वो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, संडे को मिलती हूँ मैं उससे। ठीक है, लेकिन आधे घंटे के लिए बस। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, आप उसे कह दीजिएगा। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संडे को मिलो, उससे समझाओ क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। ओके ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू। तो उससे शादी करना चाहता है? माँ कसम भैया, हम उससे शादी करेंगे भैया, हम ओकरा से ब्याह करेंगे भैया, आज जिंदगी भर खुश रखेंगे। कल तो बड़ी गाली दे रहा था उसको। हमको मिलेगी तो हम उसका जतका नहीं करेंगे हम। देख अगर तू उससे शादी करना चाहता है हाँ तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलिए। देख
संडे को वो जब आएगी ना हाँ। तो ये कुर्सी टेबल वेबल ये जो कुछ भी है ना कुछ मत रखना, सिर्फ ये चारपाई रखना। हाँ। ध्यान से सुन, जब वो आएगी तो उसे तू यहां बिठाना, ठीक है? हाँ इधर। अपनी इमोशन से उसको अपने आटे में ले ले। आटे बोले आटे माने? अरे मतलब तो नेचुरल एक्टर है यार, तेरे को समझाने की जरूरत है, एकदम इमोशनल इमोशनल अत्याचार टाइप्स। हाँ। ताकि वो यू नो एकदम तेरे पे पिघल जाए। हाँ। ठीक है, फिर तो उसको बिठा, बिठा के धीरे से उसकी यू नो सुन, चुपचाप चाहिए कि नहीं, शादी करनी है कि नहीं तो सुन, और वही करना जो मैं बता रहा हूँ, चुपचाप सुन पहले। हाँ। क्या करेगा, आएगी। हाँ। बिठाएगा। हाँ। अपनी इमोशंस का फायदा उठाएगा। हम्म। गले लगाएगा। हम्म। थोड़ा सा हाथ वाथ फिराएगा। हम्म। लेकिन एक बात ध्यान रखना। हाँ। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तू ये जानबूझ के कर रहा है, तू है ना नेचुरल एक्टर। हाँ। कर लेगा ना। हाँ भैया। बिठा के हाथ वाथ फिरा के पटक के पेल देना उसको। ए भैया छी छी, कितना गंदा बात करते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका वीडियो बना लेना। लेकिन भैया हाथ में मोबाइल कम चढ़ेंगे कैसे, और वो हमको ऐसा करने देगी का? अबे लवड़ू, हक दिया ना आखिर, हाथ में मोबाइल लेके कैसे रिकॉर्ड करेगा तू बेवकूफ। उसके लिए हम हिडन कैमरा खरीदेंगे, उसको कहीं ना कहीं देख के हम फिट करेंगे ताकि उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। और पूछिए करने से क्या होगा? क्या होगा बताइए बाप, वो वीडियो बन जाएगा। हाँ। हम उस लड़की को दिखाएंगे, मजबूर करेंगे कि वो इससे रिश्ता तोड़ के तेरे साथ शादी करे, और अगर वो नहीं मानी हाँ। तो जिसके साथ उसकी सगाई हुई है उसे दिखा देंगे, वो तो तोड़ेगा ना। वाह भैया, कहाँ जाएगी? तेरे पास ही आएगी ना। एकदम मस्त प्लान है भैया आपका। भैया लेकिन वो हमको मिल जाएगी ना भैया? 100%। हेलो। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सलीम नहीं है बेटा? सलीम तो गया हुआ है मुजफ्फरपुर। अच्छा। अरे चाचा वो कैमरा था ना छोटा वाला। हाँ। वो स्टिंग ऑपरेशन करने वाला, वो कैमरा चाहिए था। ए भैया ये हमारा जेबा का काट रहे हैं आप? बहुत माल रखा है ना इसलिए। अरे भैया मत काटिए, बहुत महंगा कपड़ा था हमारा। अरे रुक यार, का कर दिए दे। ये हो गया तेरा कैमरा फिट। है तेरी माँ का। कैसा दिमाग है आपका? लगाएंगे कहाँ? है ने खुट्टी, है ने देखिए देखिए खुट्टी पे लगा के छत ना पोगे, कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम कर, उस दिन जब कंचन आएगी ठीक है, तू तो रहेगा तो समझ मैं कंचन हूं, मैं वैसी एक्टिंग करता हूँ ठीक है, तू वैसे फॉलो कर। लेकिन आप कंचन कैसे लगेंगे भैया? जितना बोल रहा हूं उतना कर, ध्यान से कुर्सी वर्सी उस दिन रखना मत, नहीं तो बैठ जाएगी वहां पे सब गुड़ गोबर हो जाएगा ठीक है। हाँ ठीक चलो समझो मैं कंचन हूं, मैं आया। हाँ। आके तुमको ये बोलेगी संतोष ये तुमने क्या हाल बना रखा है। ए, कंचन हम तुम्हारा भी नंबर जाएंगे, कंचन तुम हमको कैसे छोड़कर चली गई? कंचन ए कंचन का है हमारा साथ ऐसा की? कंचन ए कंचन हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। कंचन ए कंचन छोड़ के आ जा, रात को फिर आएगा चूचियों पे। अरे कंचन तुम हमारा साथ ऐसा का है कंचन? हम बोलो का है? चलो फिर वो तेरे को बोलेगी मेरी तो सगाई हो गई, मेरे को भूल जाओ मैं आगे बढ़ रही हूँ, तुम भी आगे बढ़ो, और ऐसे वो जाएगी। हम पकड़ लेंगे भैया इसे, पकड़ लेंगे इसे। फिर क्या करेगा? बैठा देंगे, बैठा देंगे इसे। बिठाना नहीं है। हाँ। करना है। अच्छा हाँ, अरे कंचन कंचन छोड़ेगा कंचन तुम हमारे साथ ऐसे का? समझ गया समझ गया। एक कहाँ देख रहे हैं भैया? तू इधर आ जा, इधर 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 इधर। ठीक है भैया एक बार फिर से करें। हाँ। मैं कंचन। अच्छा अच्छा ये तूने क्या हालत बना रखी संतोष। कंचन हम तुम्हारा भी नंबर जाएंगे, कंचन तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? कंचन हम तुम्हारा जी सकेंगे। फिर वो बोलेगी देखो अब नहीं ये मेरी सगाई हो गई, मैं शादी में आगे बढ़ी हूँ जिंदगी में, तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो, बाय। भैया हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे हम कंचन को, अब बैठा देंगे फिर
फिर कल चल तुम हमको छोड़ के कहा चले गए यार कल चल अरे कल चल तुम बड़ा चल बस 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 रुक जा सोचने दे वहां क्या है यहां बैग है हमारा परफेक्ट सुन ये हो गया तेरा कैमरा सेट मैंने यहां कैमरा क्यों लगाया क्योंकि जब तू उसको वहां पटकेगा तो लड़की की पूरी शक्ल हाँ। दिखेगी उस दिन तो क्या पहनेगा क्या पहनेंगे लुंगी सिर्फ लुंगी पहनेंगे सिर्फ लुंगी मतलब लुंगी सिर्फ चड्डी वड्डी कुछ नहीं जी भाई अब बिना चड्डी के हमको दिक्कत होता है लंगोटा काचा होचा कुछ नहीं समझे पहली बात दूसरी बात हाँ इसकी कैपेसिटी कितनी है 15 मिनट की तो सुन हाँ। जब तू देख लेगा कि वो आ गई है नीचे हाँ। तो इसको चुपचाप चालू करके चुपचाप बैठ हाँ। जाना और इसको छूना मत काम हो जाएगा तो मुझे बताना मैं आके देखता हूँ क्या करना ओके भैया ठीक है तैयारी करते रहना चलो भैया थैंक यू कंचन अब देखो कैसे तुम हमसे ब्याह नहीं करती हो यहाँ रहेगी कंचन यहाँ रहेंगे हम और यहाँ रहेगा कैमरा बेटा बहुत मजा आएगा कंचन 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 स्विच अप कर देते हैं बाद में डिस्टर्ब करेंगे विशाल भैया हम जानते ना उनको आ गई कैमरा ऑन कर देते हैं कौन है भाई दरवाजा खुला है जिकरा आना है आ जाओ सर हमको बहुत परेशान कर दिया है सब अब हम कहाँ करें हाँ। अरे बाप बहुत दर्द हो रहा है संतोष हमको विशाल भैया बोले थे कि तुम आओगी हमको उनके बात का विश्वास नहीं था कि तुम आओगी बैठो इधर नहीं तुम इधर बैठो क्यों बैठो इधर गंदा है अच्छा बैठो बैठो कैसे हो देखो हम कैसन है तुम इससे कैसे की हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हम मर जाएंगे तुम्हारे अरे हम तो बस ये दिन देखना चाहते थे कि तुम आओ और हम तुमको देखें संतोष ये कैसा हाल बना रखा है तुमने अपना का बोले हम अब तुमको सोचना चाहिए कि तुम ऐसा कहा है कि हम कब ऐसा सोचे ही नहीं थे कि लेकिन तुम कैसे सगाई कर ली हम समझ नहीं आया लेकिन देखो मैं तो आई थी ना तुम्हारे पास हाँ तो लेकिन तुमने ही मना कर दिया तो लेकिन तुमको समझना चाहिए था ना हम इतना साल से एक सपना देख रहे स्टार बनने का और तुम ओकरा बारे में ऐसा बोलोगे तो हमको कितना बुरा लगेगा तुम सोचो का हमारा सपना तुम्हारा सपना नहीं है का बोलो ना हाँ लेकिन सॉरी संतोष अब मैं क्या कर सकती हूँ मेरी सगाई हो चुकी है अभी तुम सगाई तोड़ दो हमरा से ये कर कैसी लो। बात कर रहे हो क्या कर रहा है फोन क्यों बंद रखा है ऐसे रो मत संतोष तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे बिना संतोष हटो कमीने हटो यहाँ से साले कमीने हरामजादे दिखा देना अपनी औकात आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी नहीं दिखाएंगे रे अरे बहन के मारे रे तेरी माँ का चोदो अरे नहीं दिखाएंगे तुमको बहन चोद जब हम यहाँ से देखना रे जा रे साली जा हम नहीं करेंगे तुमसे ब्याह रे देखना अब तू करेगी हमसे ब्याह रे पीछे पीछे घूमेगी संतोष ब्याह कर लो ए संतोष ब्याह कर लो नहीं करेंगे रे ब्याह हम लौड़ू ही रहेगा ये
छी। हेलो हाँ विशाल भैया। अबे लौड़ू फोन काहे को बंद रखा था रे? हाँ, हम जानते थे कि आप हमको बार बार फोन करके तंग करेंगे, इसीलिए चराकी से बंद कर दिए। भैया काम हो गया। काम हो गया? अरे वाह वेरी गुड। अच्छा सुन मैं आ रहा हूँ, कैमरे को बिल्कुल हाथ मत लगाना। नहीं लगा क्या भैया? ओके अभी आया। सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। सलीम नहीं है? सलीम तो दानापुर गया हुआ है। और सुनाओ? बस वो थोड़ा सलीम से ही काम था। कुछ प्राइवेट काम है? हाँ कुछ वैसे ही समझ लीजिए। जो बाल दिख रहे हैं ना वो धूप में सफेद नहीं किए हैं, करके दे देता हूँ, परसों आके ले जाना सीधी। हाँ अच्छा अच्छा होता ठीक है, ले लीजिए परसों हम लोग आ जाते। ठीक है ठीक ठीक है, खुदा हाफिज। विशाल भैया हम मान गए आपको और आपके दिमाग को दुनिया को। देखिएगा आप एक दिन मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़का राइटर बनेंगे, देखिएगा। देख भाई मैं जा हूं वहीं ठीक हूं। अरे भैया वो सब ठीक बात है लेकिन देखिएगा हम आपका सिफारिश करेंगे अपना बंबई वाला राइटर से और वो आपका जरूर हेल्प करेगा हमारा कहने पर, ये देख लीजिएगा। सिफारिश करोगे? हाँ। तू पहले खुद बॉम्बे पहुंचा ही नहीं, सिफारिश की बात चालू कर दिया। हाँ तो कब हुआ, एक दिन पहुंचे जाएंगे ना हम बंबई। और सुनिए भैया आपका बस ये प्लान क्लिक हो जाने दीजिए और उस सीडी हमारा हाथ में आ जाने दीजिए, ओकरा बाद देखते हैं हम ऊ कंचनवा हमरा से ब्याह कैसे नहीं करती है। भैया आज हम आपको खिलाएंगे लिट्टी और चोखा, यहाँ का बड़ा फेमस है। बन बनवा लो और साथ में वो भी आपका पौआ। अरे वो तो पूछने की बात है। मारेंगे बंच भग। ए 340 किसको बोला रे, किसको बोला? भग साला अपना कमरा जा। ए 340 का 340 भग भूतड़ी के। ए 340 ये सब भोसड़ी वाला सबको कहा हो गया है? कल तक तो सब माधरचंद हमको संतोषवा खरवरवा और नेचुरल एक्टर बोलता था, माधरचंद लोग आज हमको 340 340 का है बोल रहा है। लगता है सवेरे सवेरे महुआ चढ़ा लिया माधरचंद लोग। चाचा सीडी हमारा आ गए बेटा। सीडी तुम्हारा रेडी है। ये लो। कितना पैसा? 200 रुपए बेटा। शुक्रिया बेटा। ए भैया आप मत देखिए तो। ए भैया अभी हमको बहुत शर्म आता है। अबे लौड़ू तू लौड़ू का लौड़ू ही रहेगा हमेशा। अब हम क्या किए? चूतिए ये लड़की कौन है? कंचन है और कौन है, लगता पचनबे नहीं करते हैं। सारा प्लान बनाए आप अभी बोलते ही कौन है। अरे गधे ये तेरे को पता है लड़की कंचन है? किसी को बाहर जाके किसको दिखाएगा, किसको समझ में आ गया लड़की कंचन है? इसके शक्ल से स्कार्फ उतारने नहीं हुआ था? आय तोरी माई के। ए भैया हम सच में लड़ू है, एकदम का किया हमको बुझे भी नहीं किया कुछ। और सुन सुन हाँ ये जरा वीडियो देख ध्यान से, ये अपने लिंक की हालत देख, साइज देख। अबे चूतिया वहां नहीं आ देख। हाँ, एक तो हड़बड़ी में उठा भी नहीं है, लग रहा है 3 इंच का है। हाँ? और दूसरा साले ये देख, ये टाइमर देख, जब से तू चढ़ा है और उतरा है 40 सेकंड का टाइम। अब तेरी समझ में आया सब तेरे को 340 340 क्यों बुला रहे? नहीं हमको नहीं समझ में आया, मतलब कहा है? अबे चूतिए इसका मतलब तेरा लिंक 3 इंच का है और चढ़ने और उतरने में 40 सेकंड का टाइम लगता है तेरे को। अरे भगवान बहिनचोद, हम सही में बहुत बड़ा बकचोद है। लेकिन एक बात बताइए, ये सीढ़ी तो हम लोग अभी देख रहे हैं, साला हम लोग सब पहले वो सब कैसे देख लिया है? ये कैसे हुआ? इसका मतलब यार किसी ने गद्दारी की है, ये सीढ़ी मुझे लगता है वायरल हो गई यूट्यूब पे।
ये सब हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे बैठो तो सही, बताता हूँ ना तुमको, अभी बताता हूँ ना। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? एक पति अपनी पत्नी के साथ और क्या करता है, वही कर रहा हूँ। वो पता है मुझे, पर हमारी अभी शादी नहीं हुई है। तो क्या हुआ, शादी होने वाली तो है और वैसे भी सगाई हो चुकी है और सगाई तो ये सब करने का परमिट देती है। शादी से पहले नहीं। अब नाटक मत करो ना, सुनो ना, कितना अच्छा होगा बताओ अगर शादी से पहले हम एक दूसरे को जान लें कि हम सेक्सुअल सेटिस्फाइड कर पाते हैं कि नहीं एक दूसरे को, तो कितना अच्छा होगा बताओ। और कर पाए तो ठीक, और नहीं कर पाए तो एक एंजॉयमेंट समझ के भूल जाएंगे है? और किसी की कमी को लेकर सारा जीवन रोने से अच्छा है कि आज ही पता चल जाए। बड़ा हरामी निकला, मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे जाऊं भगवान, प्लीज कुछ आइडिया दो, कुछ करो। क्या हुआ बाबा? हाँ कुछ नहीं, देखो बात तो तुम्हारी सही है लेकिन देखो हमारी शादी होने में भी अभी 3 महीने से ज्यादा समय बचा है, तो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो और फिर हम दोनों की बदनामी होगी। कॉन्डम तो तुम लाए नहीं होगे। अब अपनी बीबी के साथ सेक्स करने के लिए कोई कॉन्डम लेके आता है क्या? हाँ ये भी बात सही है, लेकिन देखो बदनामी से बचने से अच्छा है कि हम प्रिकॉशन ले लें हम, तो तुम कॉन्डम ले आओ। बात तुम सही कह रही हो। हाँ तो एक काम करता हूँ, मैं कॉन्डोम लेके आता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना है। हाँ है? बिल्कुल। हाँ थैंक गॉड। अरे राजकुमार संतोष का देखा कि नहीं, हमारा वीडियो नेचुरल। अरे संतोष भाई, अरे यार क्या कमाल का एक्टिंग किया है आपने 3:40 में। अरे तुम बहनचोद, क्या बोला रे, फिर से बोल तो, भोसड़ी वाला। क्या कमाल के नेचुरल एक्टर हो भाई। नेचुरल तेरी मां का चोद, भोसड़ी वाला, देख देख देख, नेचुरल एक्टर मां का चोद, देख तेरी मां का चोद, देख ना, देख भोसड़ी वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, 3:40 नेचुरल एक्टिंग करता है इसकी मां का चोद। ये लोग हमारा जीना दुश्वार कर देंगे, इसकी मां का चोद लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे संतोष भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने 3:40 में साबित कर दिया कि आप नेचुरल एक्टर हो। देखना रे लंड माधर चोद बहिनचोद, जूता तेरी माँ का चोदो, मार मार के मुंह फुला देंगे बहिनचोद। देखो संतोष, कोई भी चीज का सलूशन निकालना है ना तो शांति से निकालना चाहिए। इस समस्या का कोनो हल नहीं है भैया, एकरा तो एक को हल नजर आता कि हम मर जाए, ये दीन दुनिया छोड़कर हम चल जाए भैया। हाँ अगर आपके पास कोनो हल है तो बताइए भैया। देख तेरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो समझते हैं तेरा सामान 3 इंच का है और 40 सेकंड में तेरा काम तमाम हो जाता है। इन शॉर्ट इन सबको लगता है तू नामर्द है, जो कि गलत है। हाँ भैया हमको मौका मिला रहता ना तो हम आगे से डाल के पीछे निकाल दिए होते, मौके नहीं मिला हमको। मैं जानता हूँ, देख मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन है तेरे इस प्रॉब्लम का। सुन, शहर में एक जगह है जहाँ कुछ वैश्याएं रहती हैं, वहां जाके पुष्पा नाम की एक लड़की से मिलना, उसको बोलना कि तुझे उसके साथ सेक्स करना है और वीडियो भी बनाना है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी पर तेरा काम हो जाएगा। 30-35 मिनट दबा के एकदम बढ़िया से सेक्स करना, उसका वीडियो बना, ला इनके मुंह पे मार। ठीक है भैया हम जाते हैं, एकदम एकदम जमा के काम करेंगे भैया। हाँ अरे सुन, हाँ कॉन्डम लेके जाना मत भूलना। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। समझ गया भैया। पुष्पा जी। हाँ हाँ कहाँ? ऊपर है। ऊपर पूछे। हाँ जी, आप लोगों में से पुष्पा जी कौन है? पुष्पा जी, अबे बहन के लौड़े, इतनी इज्जत ना दे हमें। हाँ इतनी इज्जत देगा ना तो हमें हमारी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। पुष्पा जिसे साला देखो पुष्पा को ही ढूंढता है। जा रूम नंबर 107 पर है। आप पुष्पा जी हैं? हाँ
हमको विशाल भैया भेजे हैं। हाँ, मुझे विशाल जी ने बताया था। बैठो। बैठना। अब बैठा रहेगा या कपड़े भी उतारेगा? उतार कपड़े। देखो साला मेरा चिराई, आंख फाड़ फाड़ के देखो बेटा लोग, देखो। देखा रे साला, ये देखो कितना मिनट हुआ, गिनो गिनो। अरे बेटा खत्म हो गया। अब बोलो रे माधरचोद, कितना मेरा लैंड कितना बड़ा है रे, और कितना सेकंड हम चुदाई कर सकते हैं? 40 सेकंड नहीं गुरु, 40 मिनट। यहाँ देख लिए ना। सॉरी संतोष भाई, हम गलत फहमी में थे। तुमने साबित कर दिया तुम 40 सेकंड के नहीं 40 मिनट के मर्द हो। संतोष भाई तुम तो परफेक्टली मर्द हो। आज के बाद कोई भी आपको 3:40 नहीं बुलाएगा। हाँ चलो तुम लोग निकलो, चलो निकलो, हमको विशाल जी से पर्सनल बात करना है। निकलो फटाफट निकलो। रंजीत कितना कमीना इंसान है, कितना घटिया। शादी के पहले ये जानना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं। छी, इससे तो कितना अच्छा संतोष था, सीधा साधा। इतने दिनों तक कभी उसने मुझे बहाने से भी टच नहीं किया। माना कि उस दिन ऐसा हुआ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा हो कि ऐसा करने से मैं उसके पास वापस चली आऊं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? माना उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका प्यार तो सच्चा है ना। गोड़ लगता नहीं बाबूजी। कारे सर्वा, यह करे गई लग रहा। कहा खिसियाई बनी सवेरे सवेरे, का बिल बताई ना। खिसियाई ना तक का करी, तोहरा स्वागत खातिर पूरा गांव में फूल बिछवा दी। सही कहत रहले कि जब फिल्म रिलीज हुई तोर ते हमार सीना गर्व से चौड़ा हो जाई। बाबूजी लड़का के करही हम। चुप सरवा, हमार सीना ऐसे चौड़ा हो गई कि ओकरा भार से हमार सर झुक गई। सरऊ काल हमरा के सुरेंद्रवा मिलल रहे, उ कहत रहे कि राउर बेटा ब्लू फिल्म में काम कई लेबा। अरे ना बाबूजी, कोनो दोसर क्यों होखी? हमरा विश्वास ना भइल तो ओकरा के हम डांट देनी। तो ऊ हमरा के अपना मोबाइल निकाल के तुरंते दिखौलस। ओकरा देखते हमार करेजा के एकदम का हालत भइल। हम तोहरा से का बताई, तू जौना फिल्म में काम कइले हा ओकर का नाम रहल? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। सर वही है, तू प्यार बढ़ावत रहला। एक काम करा कि अब तो तू फिर कबो गांव में ना आई है। बुझला? ई बुझ दिया कि तोहर माई बाबू तोहरा खातिर गांव में मर गई। नहीं ए बाबूजी, कैसन बात? बाबूजी चुप चुप। बाबूजी, ए बाबूजी, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। लो, एक ही कॉपी बची है। भाई साहब 10,000 CD भिजवा दो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। भाई 50,000। एक लाख CD भाई।
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है 50,000। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हाँ ठीक है भाई। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है 25,000। 1,00,000 सीडी भाई। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है 1,00,000। ए विशाल भैया, ए विशाल भैया, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया भैया। हम कहूं का अपना मुंह नहीं दिखा सकते भैया। हाँ यार, मैंने भी सुना वो तुम्हारा और पुष्पा का वीडियो बन गया, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, सुना मैंने। बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया भैया। ये तो वह बात हुआ ना भैया, हम चले थे नमाज छुड़ाने और रोजा गले पड़ गया। हमारे बाबूजी हमसे बतियाएंगे नहीं, हमको बोले कि अपना मुंह मत दिखाना कब वो हमको। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। सुन मेरी बात, कुछ ना कुछ सोचता हूँ मैं, निकालता हूँ कुछ उपाय। अरे भैया बस करिए, आपका उपाय दोबारा आपको उपाय से गांड मरवा लिए। अब नहीं सुनेंगे हम आपको कोनो उपाय भैया। बात सुन तो सही। अरे आपको नहीं सुनना आपका कोनो बात भैया। अरे सुन तो। अरे नहीं, हम तो चले ना, हमारे बाबूजी तो हमको भगा दिए ना भैया। अरे आपका क्या, आपका तो दुकान चल रहा है ना। हेलो रंजीत, कहाँ हो जानू? अरे यार उस दिन तुमने अजब का चुतिया बनाया मुझे, कंडोम लाने भेजी हमको और खुद गायब हो गई। हाँ एक्चुअली मैंने तुम्हें उसी बारे में बात करने के लिए फोन किया है। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं वहीं पे उसी होटल में। जानती हो उस दिन जो कंडोम लेके आया था ना, अभी मेरे पॉकेट में है। देखो रंजीत, एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और हाँ, आई एम नॉट वर्जिन। क्या बोले? आई एम नॉट वर्जिन। अरे रंडी साली माधर चोद, नॉट वर्जिन, सती सावित्री बन रही थी साली। अरे साला मेरा तो सारा जिंदगी बर्बाद कर दिया रे तूने सारा सगाई करके, रंडी माधर चोद। तू रंडी, तेरा बाप रंडी की औलाद, साला तेरा पूरा खानदान रंडी की औलाद। लड़कियों के साथ सोता रहता है और जब मैंने बोल दिया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो मुझे रंडी बता रहा है। अरे ए सालिये, हम मरद है रे मरद, हम साला 10 को ठोकेंगे, देख अभी अभी यहीं से निकल के गई है। चुप, मादरचोद कहीं का, तमीज से बात कर, और आज के बाद ना आइंदा से यहाँ फोन मत करना। साला एड्स पाल के रखा होगा पूरा खानदान इसका। साली रख, साला मादरचोद कहीं का रख। हमारे सर कहाँ काम किए थे कि सर सजा दी आप हमको, क्या करेंगे हम? उस दिन के बाद से संतोष का कोई आता पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने सोचा शायद वह गांव जाएगा, लेकिन जो उसकी हालत थी मेरे हिसाब से गांव वो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, काश मैंने उसके प्यार का सम्मान किया होता। पता नहीं वो कहां होगा, किस हाल में होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, जहाँ भी हो कहीं ना कहीं मैं उसे ढूंढ जरूर निकालूंगा। मुझे लगता है उसकी हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी बहुत हद तक जिम्मेदार हूँ। प्लीज प्लीज उसे ढूंढ निकालिए।
फिल्म रिलीज हुई तोर ते हमार सीना गर्व से चौड़ा हो जाई। हमार सीना ऐसे चौड़ा हो गई कि ओकरा भार से हमार सर झुक गई सरऊ कि अब तो तू फिर कबो गांव में ना आई है। संतोष? कौन संतोष? हम संतोष नहीं है। क्या हालत बना रखी है ये? देखिए हम बोले ना, हम संतोष नहीं है। अबे चूतिए, तू नाटक कर रहा है तो मैं तेरे को पहचानूंगा नहीं क्या? हम संतोष नहीं है। देख वैसे भी मैं तेरे को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। हम आपके वजह से दो बार गड़बड़ वाली, हमको नहीं चाहिए आपको कोरो काम, छोड़ दीजिए हमको अकेले। संतोष जो कुछ हुआ है तेरे साथ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, विश्वास कर मेरा। नहीं सब गलती तो हमरा है ना, हम आपके ऊपर विश्वास किए, सब गलती हमरा है। हम ऐसे ही रह लेंगे, आप जाइए यहाँ से। देख मैं तेरे को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तू सिर्फ एक बार उससे मिल ले, उसके बाद तेरा जो मन हो वो करना। देखिए भैया अब हम ठान लिए हैं, हमारा कोरो से मतलब नहीं है, ना कोई हमको जानता ना हम ककरो जानते हैं, बस अब अकेले जिएंगे और अकेले मर जाएंगे। अबे तो पागल हो गया क्या? तेरा वो एक्टर बनने का जुनून, तेरा वो एक्टिंग का सपना, सब क्या हुआ? अरे कैसा एक्टिंग, कैसा जुनून है, हमको नहीं करना एक्टिंग। अरे गधे तुझे पता है तेरी वजह से कितने लोग करोड़ों में खेल रहे हैं? हाँ आज जब लक्ष्मी खुद तुझे चंदन लगाने आ रही है तो खुद सबसे काना काट रहा है। जिस दिन तू पैसा कमा लेगा या नाम कमा लेगा ना, फिर तेरी ये जिंदगी कोई याद नहीं रखेगा, बात समझ। काई नाम का शोहरत कैसन दौलत, आप का बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं तेरे को सिर्फ किसी से एक बार मिलवाना चाहता हूँ, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, तेरा थोड़ा हुलिया सुधारेंगे। तूने अपने लिए जिंदगी वैसे भी सोच के रखी है, वो तो कभी भी कर सकता है। एक बार चल उससे मिल ले, लाइफ चेंज हुई तो मुझे बता देना, नहीं तो तेरे पास ये जिंदगी तो हमेशा है। हमको नहीं मिलना भैया। तुझे चलना पड़ेगा। चल। नहीं भैया तेरी एक बात मैं नहीं सुनने वाला हूं। चल। हे भैया इतना देर से खड़ा है हम लोग यहाँ पर, अरे इतना सुनसान जगह है, हमको तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरना क्या है? किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? आ गए जिसका इंतजार था। हाय, आई एम अमजद भाई, मैं खास दुबई से आपको मिलने आया हूँ। आप तो जानते हो मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड हूँ, छुपते छुपाते हुए आपको मिलने आया हूँ। आप वो वाला भाई हैं? हाँ। तो आप हमसे कहे मिलना चाहते हैं? आप ये गाड़ी देख रहे हो, ऐसी 10 गाड़ियां खरीदी मैंने आपके कारण। हमारा कारण हम बुझे नहीं। ओ कौन सी फिल्म है आपकी? वो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, उससे मैंने करोड़ों कमाया सर पायरेसी कर करके। और वो क्या थी 3-40, वो भी मैंने देखी सर। क्या सर, क्या एक्टिंग की है, मजा आ गया, मुझे आपके साथ फिल्म बनानी है। देखिए भाई आप गलत जगह हैं, हम ऐसा फिल्म नहीं करते हैं, सॉरी। अरे संतोष पागल हो गया क्या? अरे बहुत पैसा देंगे। आप हमको इसीलिए लेकर आए हैं, आप हमको फिर से फंसाएंगे। देखिए भाई हम ऐसा फिल्म नहीं करेंगे, सॉरी, हमको माफ करिए। हमारी फिल्म ऐसी वैसी नहीं होगी, एक स्टोरी होगी, बोल्ड सीन्स होंगे, तुमको तो पता है आजकल ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा चल रही हैं। लेकिन हम आपके साथ फिल्म नहीं करना चाहते। तो कैसी फिल्मों में काम करोगे तुम? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा फिल्म बनाइए, हम करेंगे। ठीक है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप चाहे जैसे वैसी फिल्म बनाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। सलीम ये आपके लिए, कल बैठ के होटल में काम की बातें करेंगे, ठीक है? ये आपके लिए, इतने बड़े स्टार से मिलाया हमें। शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़।
देखा गुरु कैसे आदमी से मिलवाया, बहुत पैसा है इसमें तो उसके बाद में और मिलेगा, तब जैसे पिक्चर बनानी है तैसे बनाना हाँ। और कल मीटिंग करना मत भूलना, ठीक है? हाँ, नहीं भूलेंगे। चलो अलविदा। हाँ। और शांति शाह जी, हमें ऐसी फिल्म बनानी है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, सभी सुपर डुपर हिट फिल्म बनानी है हम लोगों को। एकदम बाथरूम सीन मिलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। आ जाओ अंदर, खुला है। आओ आओ, आइए आइए, इधर आइए आइए। आइए प्रणाम, बैठिए, इनसे मिलिए, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं ये। इनका चेहरा हम कहीं देखे हैं? हाँ, मायापुरी में इनका चेहरा हम देखे हैं। राइट राइट। आप शांति सा है ना? छी, बहुत गंदा डायरेक्टर हैं आप। बहुत गंदा गंदा फिल्म बनाते हैं आप। झाड़ियों के उस पार प्यार करेंगे, एक बार बजाओ ना, अंधेरी रात में डंडा तोरे हाथ में। बस सही पकड़ा तुमने, यही अपनी फिल्म के डायरेक्टर होंगे। भाई हमको माफ करिएगा, हम इनका साथ काम नहीं कर सकते। ये मार्केट में इतना बदनाम है ना कि कितनों अच्छा फिल्म बनाए लोग इनका विश्वास नहीं करेगा। हमको माफ करिएगा भाई, हम जाते हैं, हम आपका पैसा भी वापस कर देंगे। अरे रुक 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 रुक, बैठो 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 बैठो। अरे बैठो, बैठो भाई, मारेंगे नहीं ना। अरे क्यों मारेंगे? अरे देखो बेटा, अब ये अमजद भाई तो सिनेमा तुमको ही लेके बनाएंगे जी, ठीक है? कैसे कि तुम सुपरस्टार जो ठहरे, अब हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई नुकसान पहुंचे। जी जी भाई, हम इनको साइनिंग वापस कर देंगे, समझे ना? लेकिन तुम डायरेक्टर किसको रखना चाहते हो? छोटा मुंह बड़ी बात, हमने नाटक के गुरुजी हैं अशोक पंडित, उनको रख लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे पहले उन्होंने कुछ किया है? अरे बहुत बड़ा बड़ा नाटक किए हैं, और उनका नाटक में ना हम भी बड़ा रोल किए हैं। देखो बेटा, अब नाटक और सिनेमा दोनों दो विधा है, समझे? अब सिनेमा में लाइट, कैमरा, साउंड, ट्रॉली, ये सब बहुत सारी चीज होते हैं। नाटक में भाई कहाँ मिलता है ये? भाई हमको माफ करिएगा, हम सिनेमा नहीं कर पाएंगे, दूसरा हीरो ले लीजिए। अरे अरे अरे, तुम बैठो 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 बैठो, तुम बैठो बैठो बैठो, बैठो। एक काम करते हैं, हम आपके गुरुजी को ले लेते हैं डायरेक्टर, ठीक है? शांति शाह जी रहेंगे टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है? अब तो चलेगा आपको? एक से भला दो, हमको मंजूर है, हम आपका सिनेमा करेंगे, अब हम चलते हैं। जाओ जाओ, कल आओगे तो गुरुजी को लेके आना आपने। जी जी पक्का। हाँ चलिए, प्रणाम। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, क्या हीरो है यार। शांति शाह जी, आपने तो लौंडे को पटा ही लिया, मुझे तो लगा हाथ से निकल जाएगा भैया। सिनेमा वैसे ही बनेगा भाई, एकदम। अरे भाई मैं तो डर गया था भैया कि हाथ से निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए हमारा सीन शुरू होता है, वो जो चौड़ा वाला क्या बोलते हैं आप लोग, वहाँ पूरा प्लेटफार्म दिखाई देता है, ट्रेन का प्लेटफार्म, रेल का, उसमें कोई है नहीं। धीरे धीरे लोग वहाँ जमा होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। इतने में हमारे पिक्चर का हीरो राज, वो भी वहाँ आता है, वो किसी को ढूंढ रहा है। वो हीरोइन को ढूंढ रहा है भाई, पिक्चर का जो हीरोइन है सिमरन, उसको ढूंढ रहा है। लेकिन सिमरन उसे कहीं दिखाई नहीं देती, और उसका बेचैनी बढ़ता रहता है। कहीं नहीं है, अब आ जाएगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती है। और हम दिखाते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। राज का टेंशन बढ़ जाता है, सिमरन अभी भी नहीं आई। वो प्लेटफॉर्म का एंट्री की तरफ देखता है, सिमरन अभी भी नहीं आई। वो कभी ट्रेन को देखता है, कभी एंट्री गेट को देखता है, कभी ट्रेन को देखता है शायद अब आ जाए, लेकिन वो नहीं आती। उसका टेंशन और बढ़ने लगता है, और इतने में ट्रेन सीटी दे देती है। क्या बात, राज टेंशन में, सिमरन अभी भी नहीं आई। वो इधर उधर देखता है, सिमरन अभी भी नहीं आई। इतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलना चालू कर देती है। राज का टेंशन और बढ़ जाता है। इतने में लोग धीरे धीरे ट्रेन में बैठने लगते हैं। राज को दिखाते हैं, एंट्री को दिखाते हैं, ट्रेन को दिखाते हैं, राज को, एंट्री को, ट्रेन को, और राज बेचारा निराश हो जाता है, थके हारे कदमों से निराश होकर वो ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन उसने एक आखिरी बार एंट्री गेट की तरफ देखा,
और उसको सिमरन दिखाई दी। वो सिमरन दिखाई दी, थोड़ा सा खुश, राज थोड़ा खुश, लेकिन सिमरन देखती है ट्रेन जा रही है, वो चलना शुरू करती है, ट्रेन और तेज, सिमरन तेज, ट्रेन तेज, इतने में सिमरन दौड़ना चालू कर देती है और ट्रेन और तेज और तेज। राज सोचता है ट्रेन कहीं छूट छूट न जाए और अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है, सिमरन अपना हाथ आगे देती है और नजदीक और नजदीक, हाथ आया गया आया गया आया गया और अंत में सिमरन का हाथ राज ने पकड़ा और खींचा और सीने से लगा लेता है। काट काट काट। अब इसके बाद मेरा सीन शुरू। इसके बाद हीरो और हीरोइन दोनों ट्रेन के बाथरूम में मस्त, एक कैमरा नीचे, एक कैमरा ऊपर, एक कैमरा दाहिने और एक कैमरा बाएं और भाईजान चारों तरफ से लगाए लाइट यू चावा चावा और दोनों में इश्क मोहब्बत और हॉट सीन, प्यार की मस्ती चल रही है, कभी ये लिपटा कभी वो लिपटी, कभी यू चिपटा कभी वो चिपटी और रोमांस बस 5 मिनट का चलता रहा और उसके बाद फिल्म का टाइटल शुरू, लव इन ट्रेन। डरा डरा डरा। अरे तोरी मैया के चोत, अरे साला माधर चोत, लोग हमको चूतिया बना दिया। अरे लौड़े संतोष खरवार, तुम लौड़े रह जाओगे पहिंचोत साला। अरे पूरा बिहार में हम केकरो मुंह दिखा ना पाएंगे, अब हम का करें, कहने जाए। हाँ, हम ही बिहार छोड़ के चल जाएंगे। और उस दिन के बाद सर, संतोष को किसी ने नहीं देखा, उसका क्या हुआ, कहाँ गया, जिंदा भी है या मर गया, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, भगवान अच्छे इंसान के साथ पता नहीं क्यों ऐसा करता है, वो जहां हो जैसा हो भगवान उसकी मदद करे। हेलो, संतोष जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हम बोल रहे हैं, मैं फिल्म डायरेक्टर सर्वेश भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए बोलिए ना सर। अरे मैं आपको लेकर तन बदन 5 बनाना चाहता हूँ। लेकिन सर आप तो बड़का बड़का हीरो के साथ काम करते हैं, हम तो बहुत बदनाम एक्टर है सर। अरे बदनाम ना होंगे तो क्या खाक नाम होगा हा? और तुम तो जानते ही हो कि मैं ऐसे ही बदनाम लोगों के साथ ही फिल्में बनाता हूँ। जी मैं मुक्ता कपूर बोल रही हूँ, लाला जी प्रोडक्शन हाउस से। बोलिए ना मैडम जी। जी मैं अपनी नेक्स्ट मूवी संगिनी MMS पार्ट 4 में आपको कास्ट करना चाहती हूँ, कल आप मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मैं हम आ जाएंगे मैडम जी, एकदम टाइम से आ जाएंगे मैडम जी। लगता है हमारा मां चौधरी का टाइम आ गया है, अब हम स्टार बनकर दिखाएंगे। हेलो संतोष, मैं कंचन बोल रही हूँ, कितनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाला है, तुम्हारे बिना कितनी परेशान हूँ मैं, तुम्हारे लिए मैंने अपनी सगाई भी तोड़ दी, संतोष कुछ तो बोलो प्लीज। सॉरी गलत नंबर है, ये कोनो संतोष का नंबर नहीं है।